आप सभी को मेरा नमस्ते। तो ये एक व्लॉग की सीरीज़ स्टार्ट की है, तो मैं आ गई हूँ अपने घर और यहाँ पे हो रही है श्रीमद् भागवत की कथा। तो वहीं से मैंने कुछ क्लिप्स बनाए थे, सबसे पहले था चंडी पाठ। तो अब आप आगे जो क्लिप्स देखेंगे ना, वो थोड़ी रॉ में रहेगी, कोई भी बैकग्राउंड का जो भी साउंड है वो नहीं हटाया है, ताकि आप पूरा एक फील कर सकें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्योर टाइम है। और जब हम लोग यहाँ से गए थे पटना से, तो वहाँ के कुछ क्लिप्स हैं, तो होपफुली आपको अच्छी लगेगी। तो व्लॉग को पूरा देखिएगा। दोनों हाथ लगाओ, डरो मत। तो पीछे आपने जो क्लिप देखी ना, वो पार्ट की स्टार्टिंग थी और पार्ट पूरा हो गया। अब हम लोग हवन के एक दिन पहले तो अभी हम लोग जा रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो मैंने अभी इसलिए रिकॉर्ड किया क्योंकि ना, हम लोग जब भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जाते हैं तो एक दुकान पड़ती है जहाँ हम लोग नाश्ता वगैरह हल्का सा लेते हैं। तो मैं आपको वो दुकान दिखाऊंगी और अब दिखाते हैं अगर कुछ बहुत इम्पोर्टेंट पड़ता है। हाँ, तो मैं जा कहाँ रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ अपने घर, मतलब मेरे घर आके, और वहाँ पे हो रही है पूजा। तो वहाँ पे हो रही है श्रीमद् भागवत की कथा। तो कल पहले यहाँ पे हो रही थी पूजा चंडी पाठ, मतलब माँ दुर्गा का एक पाठ होता है 6 दिन का, तो वो हुआ है। अब कल है उसका हवन और उसके बाद श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। तो आप सबको भी मैं वो कथा, मैं आपको भी उसका पार्ट बनाऊंगी और क्या क्या रिचुअल्स होते हैं और मेरा टिपिकल गांव कैसा है। गाना बज रहा था, अब फोन मेरा डिस्चार्ज हुआ तो मैंने कनेक्ट कर लिया है। तो अब गौरव गाना मिस कर रहे हैं, अब गौरव को अच्छा गौरव को सुनना है अच्छा गाना, अब वो तो स्पॉटिफाई पे है नहीं, ठीक है, और गौरव को सुनना है एकदम ए लेवल का गाना। बोली कौन सा गा अब हम लोग आ गए हैं, अब जा रहे हैं गांव। हाँ। कुछ हाले बच्चे छोटे छोटे एक बड़ी दीदी तकली। ये बड़ी होगी तो देखेगी हम बुआ के ब्लॉग में। Say what you
प्राइमरी स्कूल। ठीक है आगे चलते रहिए, हम अब दिखाएंगे आपको अपना गांव। पहले गांव का नाम तो दिखा दो। अरे आ गया भाई मेरा गांव कस नहीं, कस नहीं है भैया। चलिए चलिए नहीं हो पूरा बाउंड्री गेट। हाँ और यहाँ पे बहुत काम है तो बिल्कुल भी रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि क्यों टाइम नहीं मिला। और अब हैं हम लोग मेरे गांव में और यहाँ पे कल हो गया है चंडी हवन, तो मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत काम था। तो मैंने छोटे से छोटा एक वीडियो में डाल दूँगी। आज से मैं आपको रेगुलर अपडेट दूँगी। तो इसके लिए मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, यहाँ पर हो रहा है श्रीमद् भागवत और वो और यहाँ पे बनी है वेदी। यहाँ पे जब से हमारे यहाँ पूजा शुरू हुई है, लगभग आज आठवां दिन है, आठवां या नौवां, तो यहाँ पे तब से यहाँ पे जो अग्नि है ना वो ऐसे प्रज्वलित रहती हैं, इनको शांत नहीं होने देते हैं। और यहाँ पे हो रही है भागवत की पूजा, इसका मैं रेगुलर अपडेट दूंगी, होम टूर मैं दूंगी लास्ट डे। और यहाँ पे देखिए ये कलश यात्रा आज निकलेगी और यहाँ पे हो रही है पूजा की तैयारी। Say what you wanna say to me now. गोवर्धन और क्या क्या होता है इसमें, अच्छा ये तुलसी माँ और एक केले का भी पेड़ लगता है ना। घी है, घी है अंदर, घी का डिब्बा लेके आओ। कलश यात्रा निकलेगी तो मैं वो आपको दिखाती रहूंगी। अभी यहाँ बन रहा है खाना। ये सब ना हमारे दिमाग का भ्रम होता है कि प्याज लहसुन से ही खाना अच्छा बनता है। यहाँ पूरा खाना इतना टेस्टी था बिना प्याज। और तो कोई नहीं है, और यहाँ जितना भी खाना बनेगा ना वो सब मतलब अभी 10-12 दिन से बिना प्याज लहसुन का ही बन रहा है। और यहाँ पे बनी है ना फ्राइड राइस। तो नाश्ते में जो भी टेंट वाले हैं, जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, जो हेल्प कर रहे हैं उनके लिए। और यहाँ पे है मेरी सबसे कम एज की दोस्त,
आपका नाम बोलिए, नाम बोला आपन? उर्मिला सिंह। उर्मिला सिंह, ध्यान से देखिए, पुलिस वालों यही है उर्मिला सिंह। अच्छा हाँ, और ये है मेरा घर। और ये है मेरा मंदिर। और ये है मेरी बुआ। और ये है मेरी भाभी। सब काम में बिजी है। ये देखिए इस टकली औरत को, ये मेकअप में बिजी है। आप गुरुजी का अलग क्लोजअप लेंगे। किस किस को तरसिए, किस किस को रोइए, किस किस को तरसिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। अरे वो देखो मेरी बेटी का बाल, ये वाला वो अपने पास। तू हमारे भैया है, चाय 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 गुरु जी का, चाय 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 गुरु जी का, चाय 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 गुरु जी का, चाय चाय चाय। छेना वाले नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, ब्लॉग में आएंगे, आपको यूट्यूब में सब देखेगा। लेटा हुआ चाय छेना वाले रसगुल्ला फोन करे बना के ले ही हैं। हाय करती हूँ ना, हाय। आंटी आ रही है देखे तो? सामने आवा, ब्लॉग बने, ब्लॉग बने, ब्लॉग ब्लॉग बने। अभी हम लोग तैयार हैं कलश यात्रा के लिए, सब तैयारी। और ये है हमारे यहाँ की धूप। कितना डिग्री हो? 3 जने वहाँ बाहर फोन कर चुके हैं ऐसे ऐसे। एक बार डाई पे लिए हुआ। ये व्लॉगिंग गुरु जी कर रहे हैं। हमारे आवत ना खींचे, हम खींचे, देखा कितना बढ़िया खींचता है। श्रीमद् भागवत शुरू होने से पहले पूरे गांव में कलश यात्रा लेके निकलते हैं। तो हम लोग बहुत दूर तो नहीं गए, लेकिन अपना पूरा खेत और ये सब में अच्छे से पूरी परिक्रमा करके, और उसके बाद हम लोग जो हमारा मंदिर है वहाँ तक गए, और जो ग्राम देवता है वहाँ तक जाके फिर हम लोग वापस आ गए। अस्तु प्रक्षाल्य अहं गायत्र्यै नमः, अहं पार्वत्यै नमः, अहं सरस्वत्यै नमः। आयुवाय बलाय वचरे सुबलाय वाय साहसाय अजो जीव करदाशकम् राम देव 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 राम
अब ये जो यात्रा निकलेगी ना, इस समय अगर आप सुन रहे हैं तो ईयरफोन लगा के सुने, आपको गूज बम्स आएंगे, इतना पॉजिटिव ऑरा था उस समय वहाँ का, तो इसे ज़रूर सुनेंगे। जो गुरु जी लोग हैं ना, ये पूरे दिन जाप करते हैं, शाम को भागवत और जब चंडी पाठ हो रहा था तो पूरी पूजा करते थे। उसके बाद इनमें से दो गुरु जी लोग खुद से खाना बनाते थे, और वही खाना जैसे ये लाल गमछे में जो गुरु जी दिख रहा है ना वो, और जो स्टार्टिंग में लेटे थे ना वो, और फिर एक आप देख रहे होंगे ये पीछे थोड़े कर्ली हेयर वाले जो येलो गमछे, तीन लोग मिलके खाना बनाते थे। और फिर पूरे घर वाले और सारे ब्राह्मण जो भी गुरुजी लोग आए थे ना, ये लोग खुद से बना के ही खाना खा रहे थे। अगर मनुष्य तन मिले ना तो एक बार इस तरह का कोई भी कहीं पूजा वगैरह हो, आप जिस भी धर्म के हैं, तो वहाँ की जो भी पूजा ना उसमें ज़रूर सम्मिलित होंगे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। आप पूरे वाइब्स को देखिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको खुद फील होगा कि फ़ोन में इतना अच्छा लग रहा है देखने में, या जो, और हम लोग जब वहाँ पे सामने से थे तो वो कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा हमारा। ये हमारा खेत है, अब हम इन खेत से होते हुए अभी हम लोग जाएंगे ट्यूबवेल पे, जो पुराने टाइम में जहाँ से खेत में पानी पास होता था ना, जहाँ सब जाता था नाले वगैरह से पाइप से, तो वो ट्यूबवेल पे जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये ट्यूबवेल, ये देखिए ये है ट्यूबवेल। गांव का शिव मंदिर, तो यहाँ पे पहले एक बार कलश रखेंगे, यहाँ पे मम्मी पापा हैं पूजा करेंगे, पापा ने अपने सर पे भागवत जी को रखा है, तो यहाँ पे अभी वो लोग पूजा करेंगे और उसके बाद फिर ग्राम देवता की पूजा करेंगे और तब हम लोग घूमते हुए वापस से घर जाएंगे। जैसे हर गांव में चौरा माता होती हैं और वासुदेव महाराज हमारे यहाँ पीपल के पेड़ पे, तो इन सारी जगह पे पूजा होगी और फिर तब हम लोग वापस से कलश लेके घर जाएंगे। और वहाँ पे ये कलश स्थापित हो जाता है जहाँ से उठा था, और फिर आज से शुरू हो जाएगी श्रीमद् भागवत की कथा पूरे 7 दिन के लिए। प्रणाम प्रणाम करे कि चला हुआ चौरा माई का चौरा माई वो हर है दर्शन करत कहीं चला चला भरे ना यहां हुआ दर्शन करे लेकिन नहीं चला और बहुत चला है ना तरह ट्राई जैसे चला ऐसे बस ऐसे निकल हां भाई चला चला हूं एक आधे सर की फैमिली है ना, वहाँ से भी लोग आ गए थे, तो दादी बाबा आ गए थे, बाकी लोग धीरे धीरे आते हैं, मैं आपको आगे की वीडियोस में उन लोग को भी दिखाऊंगी। तो अब इन लोग को जाना था गया, तो पूरे व्लॉग में बने रहिएगा, आगे की जो सीरीज आएगी ना तो मैं उसमें आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। Say to me now, I wanna wake up with you in the morning. Show me this not a fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now.
पूरी यात्रा में अगर सबसे ज़्यादा ठंडक मिली तो इस पेड़ के नीचे मिली, इसीलिए पीपल का पेड़ ज़रूर लगाएं, जहाँ भी मौका मिले ना ज़रूर लगाएं। और ये देखिए दूर दूर तक मेरा गांव, ये खेत हैं, सारे खेत हैं, और इतनी हरियाली रहती है गांव में, इतना ठंडा रहता है, इसका एक अलग ही मज़ा है। तो पूरे व्लॉग में बने रहिएगा, आगे की सीरीज में आपको बहुत इन्जॉय करने को मिलेगा, पूरे गाँव वाली वाइब्स आएगी, ट्रस्ट मी। अब हम लोग वापस आ चुके हैं, कलश वापस से उसी स्थान पर रखना है, और उसके बाद आज शाम से शुरू हो जाएगी भागवत जी की कथा। तो आज मैं आपको उनकी आरती में लेके चलती हूँ। श्री बालकृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गंधार चतुर्पाद